विशेषज्ञों की राय है कि मानसून से पहले आतंकियों को भारत भेजने में लगा है पाकिस्तान। गर्मी बढ़ने के साथ ही घुसपैठ के मामले भी बढ़ेंगे। आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में कम्युनिकेशन के नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। मोबाइल टावरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। 8 दिनों में मोबाइल टावर पर छठा हमला हुआ है। 5 मई को आतंकियों ने मोबाइल कंपनी के कर्मचारी को पीटा। 23 मई को आतंकियों ने मोबाइल कंपनी को सेवा बंद करने की धमकी दी। 24 मई को एक मोबाइल टावर पर ग्रेनेड फेंका गया। 5 मई को बीएसएनएल फ्रेंचाइजी पर हमला हुआ जिसमें एक की मौत हुई, 2 घायल हो गए। और 27 मई को सोपोर में मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया। 31 मई को एक और मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया और आज श्रीनगर में एक मोबाइल टावर पर अटैक हुआ है।